सुशांत सिंह की फैमिली और फैंस के लिए एक और बुरी खबर आई। पिछले हफ्ते सैटरडे को पटना के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में उनके एक कज़िन राजकुमार सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजकुमार सिंह जो है वो पटना में और कई सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, बिहार में उनके 3 शोरूम्स हैं यामाहा मोटर बाइक्स के। और सैटरडे को अराउंड 10:30 बजे जब वो अपने एक साथी के साथ, जिनका नाम है हसन अली, उनके साथ उन शोरूम्स में जा रहे थे, तो उन्हीं के शोरूम के बाहर 3 लोगों ने उनको गोली मार दी। उनको ही नहीं बल्कि उनके पार्टनर हसन अली को भी गोली मारी, और दोनों ही क्रिटिकल कंडीशन में बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि दोनों ही क्रिटिकल कंडीशन में है। फिलहाल उनके ऊपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने उन पर हमला किया, ये जानलेवा हमला, उनकी आइडेंटिटी क्या थी ये अब तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। दे आर ट्रैकिंग डाउन द असेलेंट्स बट सो फार दे हैव नो लीड्स एज पर द रिपोर्ट्स। सुशांत सिंह के ये जो कज़िन है वो अपने मोटरबाइक के शोरूम में डेली विजिट करते थे, 3 मोटरबाइक शोरूम में। और ऐसे उनके एक रूटीन राउंडअप के दौरान 3 लोगों ने उनकी गाड़ी से आगे जाकर उनको ओवरटेक करके सीधा उन पर हमला बोल दिया। पुलिस का कहना है कि प्राइमा फेसी इट सीम्स लाइक अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन राजकुमार सिंह एंड हिज असेलेंट्स, लेकिन अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि ये क्यों किया गया। इस क्राइम का मोटिव अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस कंटिन्यूज टू इन्वेस्टिगेट और सुशांत सिंह की फैमिली की तरफ से कोई खास इन्फॉर्मेशन फिलहाल आई नहीं है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है रिसेंटली, आफ्टर नॉट जस्ट सुशांत सिंह डेथ बट ऑल्सो बिकॉज उनके जो फादर है वो पिछले दिनों एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए थे क्योंकि उनको हार्ट की इशू हो गई थी। ही सीम्स टू बी फाइन राइट नाउ, लेकिन पिछले दिनों उनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई थी हेल्थ वाइज। फिलहाल राजकुमार सिंह और अली हसन दोनों ही हॉस्पिटल में हैं, एंड अली हसन इज़ पर्टिकुलरली सेट टू बी क्वाइट क्रिटिकल। थैंकफुली कुछ पासर्स बाय ने उनको जल्दी से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और फिलहाल उनकी जान तो बच गई है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। सुशांत सिंह के फैंस और फैमिली पर लगातार मुसीबतें आ रही हैं, और फिर भी सामने से जस्टिस की कोई भी गुंजाइश और ट्रूथ की कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब भी इस केस में आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो वेल, इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर आपके क्या विचार हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट सब्सक्राइब, हिट ऑन द बेल आइकन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।